हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज थोड़ा सा फ्री टाइम था तो सोचा आज एक कैंपिंग की जाए। और कैंपिंग के लिए यहाँ नीचे एक जगह देखी थी मैंने पहले से, तो वहाँ पर टेंट वेंट लगाना तो मुश्किल है। तो आज होगी बस पिकनिक टाइप कुछ और ट्रैकिंग। तो ट्रैक तो काफ़ी लंबा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी यहाँ नीचे पर जाके थोड़ा सा अपने लिए कुछ खाना वाना तैयार करते हैं ताकि आगे दिन के लिए एनर्जी मिल सके। तो सोचा मैंने कि अभी रिकॉर्ड करूँ इसको, इससे पहले मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था अभी, क्योंकि इतना सारा सामान रहता और बाहर चलना है तो उसमें सांस वांस फूलने का वो रहता है। तो अभी बनाता हूँ मैं वीडियो और आपको भी ले चलता हूँ किसी कैसी मस्त जगह है, आप लोग देख के दंग रह जाओगे कि ऐसी जगह पर हम खाना बना रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं। पता नहीं चल रही सही पता चल। रिस्की जॉब, देखो पैर रखने के लिए जगह नहीं है कहीं भी। तो एक सिंगल पत्थर है और इस पे जाने का प्लान है कि इसके ऊपर जाके जो नीचे से पूरा खोखला है ये। तो जगह है बहुत छोटी, उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये कटिंग वगैरह सब एकदम ध्यान से करना पड़ रहा है क्योंकि गिरने का भी डर है, आदमी नीचे ना चला जाए कहीं हवा में। तो पहले बनेगी यहाँ पे वेजिटेबल मैगी, फिर थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह कुछ है मेरे पास। तो आज स्टोव रहेगा, यहाँ ऊपर आग जलाना थोड़ा मुश्किल था तो आज स्टोव में ही करेंगे। यहाँ पे ये हो गया टमाटर, इसके बाद जाएंगे प्याज।
प्याज के साथ ही इसमें डाल दूंगा मैं बाकी वेजिटेबल्स, क्योंकि मुझे भूनना है उनको। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देता हूँ मैं। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे, हीट भी कम हो जाती है हवा में। अब इसमें डाल दो मैगी, यहाँ से नीचे करीब करीब 100 फीट की गहराई है। अगर कैमरे में अंदाज़ा नहीं हो रहा हो तो मैंने बता दिया कि मिनिमम आप 100 फीट की गहराई मान के चलिए। यहाँ से देख सकते हो सकता है कैमरे से डेप्थ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और कम से कम 100 फीट तो मान के चलो आप। तो ऐसी हाइट पे आज मैगी खाने का आया दिमाग में कि यहाँ पे बनाई जाए। ये जगह मैंने पहले से देखी थी, एक बार में घूमने आया था तब मुझे दिखी थी ये जगह और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हवा चल रही है अभी इसलिए मुझे हाथ लगाना पड़ रहा है, तो शायद मुझे यहाँ से पैर रखना पड़ेगा तभी जाके हवा उससे कम हो जाए। तो गोभी और कैरेट, ग्रीन पीस, ये सारे वेजिटेबल डाल रखे हैं मैंने इसमें। तो इसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी बनानी मुझे, और मेरे पास बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। ये अभी संतरों का सीज़न चल रहा है तो जूस वगैरह बनाना अच्छा होता है, ताज़े संतरों का जूस। गाइस अभी कॉफ़ी की तैयारी चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी में होगी ये सब जल्दी निपट जाए, क्योंकि कैमरा वैमरा भीगने का डर है। अभी टेंट तो यहाँ पे है नहीं, टेंट हमने आधे रास्ते में कहीं पे रखा है, तो यहाँ से फिर बैक उधर जाना पड़ेगा, वहाँ पे वहाँ से टेंट लेके फिर आगे के लिए निकल जाएंगे हम, और कल होगी वापसी। आज रात कहीं टेंट लगाएंगे, कैंपिंग होगी वहाँ पर। ये आधे रास्ते का सीन था, तो हल्का सा मैगी कॉफ़ी और फिर यहाँ से आगे निकल जाएंगे। लाजवाब दिख रही, ऊपर से बारिश भी गिर गई इसमें। तो अब यहाँ से आगे के लिए निकलने की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में। और इसमें हमने दूध यूज़ नहीं किया है, ये मिल्क पाउडर है, इसको लंबे टाइम तक स्टोर करने में दिक्कत नहीं होती, दूध रहता तो फट जाएगा दो दिन में।
मैगी, दिखने में आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब लग रही है। इसको कैरेट वैरेट सारा प्रोटीन तो सब जो भी चीज़ें रहती है आदमी को ज़रूरत सब इसमें है। और यह भी लंच का काम करेगा, फिर तो रात के लिए देखेंगे कुछ और। कॉफ़ी मैगी दोनों तैयार, सब लंच करके यहाँ से निकलता हूँ मैं आगे के लिए, और आपको बताऊँगा, मिलूँगा सीधे अगली वीडियो में कैंपिंग के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद, बारिश भी होने वाली है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे, फिर निकलता हूँ यहाँ से, मिलते हैं अगली वीडियो में।